ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस बीच आ रही उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी से आ रही ये बड़ी खबर, वायरल बुखार से उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही तपेश। कन्नौज में भी जारी है डेंगू और वायरल बुखार का कहर। बड़ी खबर इस वक्त की, कन्नौज से डेंगू और वायरल बुखार का कहर। लुटपुरी मोहल्ले में आधे दर्जन से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित। अब तक जिले में कुल 74 लोगों में हो चुकी है डेंगू की पुष्टि। एडी के सख्त निर्देश के बाद निरीक्षण के लिए गाँव पहुंचे जिलाधिकारी। कन्नौज के लुटपुरी गांव में भी डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप देखा जा रहा है। जिलाधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं और हालात का जायजा लिया है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आकाश। आकाश जरा बताएं कि अभी तक जो है क्या स्थिति बनी हुई है। आलोक माफ कीजिएगा, आलोक जरा बताएं क्या स्थिति बनी हुई है, कितने जो मरीज हैं वो अभी तक गांव में सामने आए हैं डेंगू या वायरल बुखार के। बिल्कुल कहना, देखिए आपको बताते हैं कि जिले में अब तक जो डेंगू पॉजिटिव की संख्या है वो करीबन 74 है और इसके साथ ही 9 लोगों का जो उपचार है वो सरकारी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि कुछ लोग अभी तक सही भी हो सके हैं, लेकिन कायनात बहुत देखने वाली बात ये होगी कि ये आंकड़ा जो है ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। जो सरकारी अस्पतालों में जाके अपना टेस्ट कराते हैं ये आंकड़ा सिर्फ वो है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। क्योंकि लगातार जो है वो डेंगू और वायरल जो है वो अपना जो पांव है वो पसार रहे हैं। लेकिन वो इसके साथ ही जो जिले के जिलाधिकारी हैं राकेश कुमार मिश्रा, उन्होंने भी कई गांवों का दौरा किया और वहां की जो साफ सफाई की व्यवस्था है इसके साथ ही अन्य कई व्यवस्थाएं वो उन्होंने देखी हैं। और वो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को भी स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जहां भी जो केसेस हैं वो ज्यादा आ रहे हैं वहां टीम भेजकर लोगों का चेकअप कराया जाए। अभी जो है टीम पहुंची है, किस तरह से हालात का जायजा लिया है और क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिलाधिकारी की ओर से? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी यहाँ बताया कि जो कन्नौज का लुटपुरी गांव है उसमें करीबन आधा सैकड़ा से अधिक लोग जो हैं वो बुखार से पीड़ित हैं, उनका चेकअप किया जा रहा है। लेकिन अभी तक उस गांव में किसी भी डेंगू की पुष्टि नहीं हो सकी है। इसके साथ ही अन्य कई गांवों में भी टीम जो है लगातार जा रही है लोगों का। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे आलोक कि ये जो मामले हैं ये कब से आना शुरू हो गए थे, कितने वक्त से वायरल और डेंगू के केस जो है सामने आ रहे हैं लुटपुरी गाँव में? देखिए आज अगर लुटपुरी गांव की बात की जाए तो लुटपुरी गांव में अभी पिछले सप्ताह से ही केसेज आना शुरू वो हुए हैं बुखारों की जो पुष्टि हुई। हालांकि कायनात अभी तक किसी भी व्यक्ति की डेंगू बुखार की पुष्टि नहीं हो चुकी है। सभी लोगों को जहां तक है वायरल की शिकायत जो है सामने आ रही है। चलिए बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए और ज्यादा बातचीत के लिए। कन्नौज CMO डॉक्टर विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका और आपसे जानना चाहेंगे कन्नौज में भी स्थिति जो है क्या बेकाबू होती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं व्यवस्था हैं वो किस प्रकार हैं? हाँ देखिए, जो कन्नौज जिले में इस समय जो डेंगू के जो रिपोर्टेड केसेस पॉजिटिव हुए जो एलाजा से पॉजिटिव पाए गए हैं वो टोटल 88 हैं जी, है ना। और आज हमारी जो मेडिकल टीम 10 जगह पर जाकर कैंप करेंगी और वहाँ पे स्लाइड बनाएगी पॉजिटिव केस डेंगू के और उसके मलेरिया के स्लाइड बनाकर उनकी जांच करवाएंगे। जो डेंगू वाले जो किट हैं जिससे जांच करते हैं उनको मेडिकल कॉलेज सरवा में वहाँ पे जांच करेंगे एलाजा से। तो जैसे आप बता रहे हैं कि 10 टीमें जो हैं आज पहुंचने वाली हैं, ये टीमें कहाँ कहाँ पर पहुंचेंगी और जो कैंप हैं क्या वहाँ पर स्थायी रूप से लगेंगे या फिर अस्थायी कैंप ही वहाँ पर सिर्फ जांच की जाएगी और जहाँ पर हमारे ज्यादा केसेज है वहाँ पर लगातार 5 दिन और 7 दिन टीम लगेंगी, डेली विजिट करेंगी, वहाँ पे स्लाइड बनाएंगी, लोगों को जागरूक करेंगी कैसे आपको साफ सफाई रखनी है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, मच्छरों से कैसे बचना है क्योंकि जो मच्छर जो है दिन का मच्छर होता है वो ताजे पानी में रहता है। तो आज जो हमारी जो टीमें लगेंगी मैं आपको बता दूं, नोट कर लीजिए, एक तो काजीपुर टीला है, बालापीर है, तेरामल्लू है, तिखवा है, लुधपुरी है, चिंतामणि है, जसौली ब्लॉक कन्नौज है, जलालपुर सरवन ब्लॉक कन्नौज है, काजियाना नगर पालिका कन्नौज
और सिखाना नगर पालिका कन्नौजी 10 टीमें आज हमारी लगी हुई हैं। तो 5 से 7 दिन तक ये कैंप करेंगे और लोगों को बचाव के साथ साथ जो और, है जांच भी और करेंगे और साथ में जो हमारी मलेरिया की टीम है वो लार्वी साल का स्प्रे करेगी, फॉगिंग करेगी और